नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बिदासर के अंदर हम फिलहाल मौजूद हैं क्योंकि महाराज श्री है वो आज बिदासर से विहार कर रहे हैं। आचार्य श्री महाशर्मन जी, तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता, उनका आज विहार है इस बिदासर में। ऐतिहासिक उन्होंने भेद मर्यादा महोत्सव 158वां यहाँ मनाया और आज वो यहाँ से विदाई ले रहे हैं क्योंकि जो अहिंसा यात्रा है उसका समापन होगा दिल्ली के अंदर। 20 से 28 मार्च में दिल्ली के अंदर प्रोग्राम होगा। आप देख सकते हो महाराज श्री धवल सेना के साथ बिदासर से विहार कर रहे हैं। बिदासर से ये दिल्ली की तरफ विहार कर रहे हैं और अभी बिदासर से इनका प्रवास स्थल होगा चाड़वास। तो बिदासर का इनका सुखद प्रवास महाराज श्री का, आचार्य श्री महाशर्मन जी का रहा और बिदासर की ऐतिहासिक धरा वीर भूमि पर इन्होंने 158वां विहृत मर्यादा महोत्सव यहाँ मनाया। तो अभी मुख्य मार्गों से ये तेरा पंथ भवन से बिदासर से महाराज श्री का विहार हो रहा है और अपने श्रावक समाज के साथ धवल सेना के साथ विहार कर रहे हैं। आप देख सकते हो स्वागत के लिए आतुर। और भावभीनी यहाँ विदाई दी जा रही है महाराज श्री को क्योंकि बिदासर के अंदर 15 दिवसीय ये प्रवास रहा और एक सुखद प्रवास रहा महाराज श्री का। और आज भावभीनी यहाँ से बिदासर से इनको विदाई दी जा रही है और फिर से आने की अभिलाषा करते हैं। विश्वास है पुनरागमन का, तो फिर से आने की महाराज श्री से ये अनुरोध बिदासर वासियों द्वारा यहाँ किया गया। जो तेरा पंथ भवन जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, वहाँ महाराज श्री का समाधि केंद्र के अंदर मर्यादा महोत्सव, ऐतिहासिक मर्यादा महोत्सव यहाँ मनाया गया। और महाराज श्री से अनुरोध किया गया कि महाराज श्री आप 2025 का जो चातुर्मास है वो बिदासर की पावन धरा पर करें। और अभी महाराज श्री का यहाँ पगलिया मनोत हवेली के सामने, मनोत परिवार आचार्य श्री महाशर्मन जी के यहाँ आगमन पर उत्सुक ऐतिहासिक और धूल ध्वजा ये फहरा रही है। आप देख सकते हो कितनी काफ़ी संख्या के अंदर लोग बाग जैन समाज से, सर्व समाज से यहाँ बिदासर के अंदर उपस्थित अपने महाराज श्री को एक भावभीनी नम आंखों से विदाई दी जा रही है। और काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ लोग बाग मीडियाकर्मी, बिदासर के जनवासी यहाँ मौजूद महाराज श्री को विदाई दे रहे हैं। आचार्य श्री महाशर्मन जैन धर्म के 11वें अधिशास्ता निकल रहे हैं बिदासर से। पावन यहाँ इनका ये बिदासर के अंदर प्रवास रहा आचार्य श्री महाशर्मन जी का। और आप देख सकते हो मातु श्री सोंगाजी स्मारक के सामने जो महाराज श्री का आगमन हुआ था दर्शन करते हुए, और काफ़ी संख्या में जैन समाज से यहाँ लोग उमड़ चुके हैं महाराज श्री को विदाई देने के लिए। आज महाराज श्री का विहार हो रहा है। दिनांक 3 फरवरी से 17 फरवरी तक ये प्रवास रहा और आज 18 फरवरी को महाराज श्री को विदाई यहाँ दी जा रही है। पूरा प्रशासन, पुलिस जाप्ता, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही बिदासर के अंदर। ऐतिहासिक इनका प्रवास रहा। ये आप देख सकते हो यहाँ तेरा पंथ युवक परिषद दिल्ली द्वारा महाराज श्री के स्वागत में, क्योंकि महाराज श्री का जो अहिंसा यात्रा है 50,000 किलोमीटर की अहिंसा यात्रा पूरी हो चुकी है और दिल्ली में अहिंसा यात्रा का समापन होगा। तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति पल पल मंगलमय हो, जय महाशर्मन की जय हो। तेरा पंथ युवक परिषद दिल्ली द्वारा ये भाव भरा स्वागत अभिनंदन। चूंकि हम बता देना चाहते हैं कि अहिंसा यात्रा
अहिंसा के ये प्रणेता आचार्य श्री महाशरमण ने शुरू की थी। तो उनकी 50,000 से ज़्यादा 1 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। तो 1301 किलोमीटर यहाँ दिल्ली का बोर्ड दर्शाया गया है बिदासर से, आप देख सकते हो। तो महाराज श्री का जो दिल्ली वासियों द्वारा कल महाराज श्री को दिल्ली वासियों को ध्वजा बिदासर के जो अध्यक्ष हैं कन्हैयालाल जी गिड़िया, उनके द्वारा हस्तांतरण दिल्ली वासियों को दिया गया ढोल ध्वजा का। और अभी महाराज श्री का यहाँ बिदासर से महाराज श्री का विहार हो रहा है आज दिनांक 18 फरवरी 2022 को, क्योंकि महाराज श्री यहाँ से 15 दिनों का इनका ऐतिहासिक बिदासर के अंदर प्रवास रहा और विहित मर्यादा महोत्सव यहाँ बनाया गया। और ये बिदासर के कन्हैयालाल जी गिड़िया वर्तमान बिदासर के जो अध्यक्ष हैं, इनके कार्यकाल के अंदर बहुत ही सुंदर सुखद प्रवास यहाँ बिदासर में आचार्य श्री का रहा और ऐतिहासिक ये प्रवास रहा। और बिल्कुल नम आंखों से विदाई दी जा रही है महाशरमण जी को आज, जो जैन धर्म के 11वें अधिष्ठाता है, उनको बिदासर की पावन धरा से दिल्ली वासियों को ढोल ध्वजा थमा दी गई है, क्योंकि अब जो अहिंसा यात्रा है वो दिल्ली के अंदर अहिंसा यात्रा का समापन होगा और दिल्ली वासियों द्वारा महाराज श्री के स्वागत के लिए यहाँ बिल्कुल दिल्लीवासी उपस्थित हैं। अपने महाराज श्री के चरण कमल दिल्ली की ओर अब निकल चुके हैं। तो बिदासर की इस पावन धरा से महाराज श्री का दिल्ली में अब विहार होगा, क्योंकि अभी महाराज श्री यहाँ से जो चाड़वास है वहाँ अपना विहार कर रहे हैं। आप देख सकते हो ढोल ध्वजा बिदासर से विहार हो रहा है महाराज श्री का। जैन समाज के अग्रणी बंधु यहाँ, श्रावक समाज, जैन समाज सभी यहाँ उपस्थित और महाराज श्री को अंतिम विदाई बिदासर से दे रहे हैं, क्योंकि फिर से आने की महाराज श्री से अनुरोध अनुकामना बिदासर वासियों द्वारा। आप देख सकते हो बिदासर शहर से आचार्य श्री महाशरमण जी को विदाई दी जा रही है, उनका विहार हो रहा है बिदासर की इस पावन धरा से, ऐतिहासिक धरा से। युग प्रधान जैन धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता आचार्य श्री महाशरमण का विहार कर रहे हैं, वो भी अहिंसा यात्रा
जो पंडिता है अहिंसा यात्रा चल रही है उनका दिल्ली वासियों द्वारा स्वागत या अभिनंदन किया गया और आचार्य श्री महाशर्मण देख सकते हो बिदासर से विभिन्न गणमान्य नागरिकों द्वारा जैन समाज के यहाँ विभिन्न स्वागत अध्यक्ष तेरापंथ युवक परिषद तेरापंथ कन्या मंडल आचार्य महाशर्मण मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति तेरापंथ युवक परिषद द्वारा यहाँ महाराज श्री को अंतिम बिदासर से विदाई यहाँ दी जा रही है क्योंकि ऐतिहासिक इनका प्रवास रहा बिदासर की पावन धरा पर। ये देख सकते हो आचार्य श्री महाशर्मण दिल्ली की ओर इनका प्रवास है। अहिंसा यात्रा का दिल्ली के अंदर समापन होगा और काफ़ी कुछ व्यवस्था बिदासर शहर से अच्छी सुखद इनका प्रवास पावन प्रवास बिदासर की धरा पर रहा। बिदाना की जो धरा है वीरभूमि बिदासर उस पर इनका पावन महाराज श्री का ये प्रवास 15 दिवसीय रहा। खुद यहाँ पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद और खुद नगरपालिका यहाँ अध्यक्ष उनके अभिनंदन उनको विदाई दी जा रही है। ये आप देख सकते हो बिदासर की सीमा 3 किलोमीटर बाहर जो ऐतिहासिक अभिजय द्वार बना था महाराज श्री के आगमन पर नोखा सीकर हाईवे पे ये दो द्वार बने थे, एक बिदासर प्रवेश पर एक बिदासर निकास पर। जेठमल जीवराज सेखानी ट्रस्ट द्वारा ये द्वार यहाँ बनाए गए थे और नगर पालिका द्वारा यहाँ ऐतिहासिक लाइटिंग की गई बिदासर शहर प्रवेश में। तो आज महाराज श्री का यहाँ से विहार हो रहा है बिदासर की पावन धरा से महाराज श्री का ऐतिहासिक ये प्रवास रहा आचार्य श्री महाशर्मण का। तो अभी बिदासर से आचार्य श्री का यहाँ से विहार हो रहा है, अहिंसा यात्रा है उसका दिल्ली की ओर यहाँ से कूच किया जा रहा है, दिल्ली की ओर यहाँ से विहार किया जा रहा है। दिल्ली वासियों का भाव भरा अभिनंदन, दिल्ली वासी यहाँ खुद आचार्य श्री को लेने के लिए मौजूद और उनके स्वागत अभिनंदन में बिदासर के ये ऐतिहासिक क्षण रहे 15 दिवसीय और बिदासर की धरा ये धन्य हुई आचार्य श्री महाशर्मण जी के चरण कमलों द्वारा बिदासर शहर सुशोभित हुआ। ये बिदाना की धरती बिदा जी की धरती का यशोगान हमेशा आगे बढ़ता रहे और आचार्य श्री महाशर्मण से एक बार पुनरागमन की प्रतीक्षा में 2025 का जो चातुर्मास है उसकी अर्जी लगाई गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आचार्य श्री
ये स्वीकार करते हैं। तो आप देख सकते हो ये एकता द्वार बिदासर की एकता को प्रदर्शित यहाँ करता हुआ, और आप देख वो भी महाराज श्री को यहाँ विदाई देने के लिए देख सकते हो आगे आगे चल रही है। क्या ऐतिहासिक क्षण इस बिदासर की धारा के लिए। और ये दिल्ली द्वारा बैनर यहाँ बनाया गया, जय भिक्षु जय महाशर्मण, राष्ट्र संत युग प्रधान आचार्य श्री महाशर्मण, शुभारंभ लाल किला दिल्ली 9 नवंबर 2014 अहिंसा यात्रा का शुभारंभ हुआ था। 52,000 किलोमीटर के ज़्यादा जीवन में 322 राज्यों की पदयात्रा कर चुके हैं। भाव भरा आमंत्रण दिल्ली प्रवास है 20 से 28 मार्च 2022 का आचार्य श्री महाशर्मण अहिंसा यात्रा समारोह समिति नई दिल्ली। ये देख सकते हो आप पुलिस प्रशासन की पूरी माकुल व्यवस्था यहाँ बिदासर शहर द्वारा, बिदासर का जो पुलिस प्रशासन है श्री महाशर्मन को बिदासर से यहाँ देख सकते हो आप विदाई दी जा रही है। विहार हो रहा है हमारा आश्री का आज आचार्य श्री महाशर्मन का 18 फरवरी को, और बिदासर से बाहर हम 3 किलोमीटर बाहर हैं, और काफ़ी यहाँ व्यवस्थाएँ पुलिस प्रशासन नगर पालिका प्रशासन की, और काफ़ी बिदासर का हुजूम यहाँ उम्र पड़ा है। आप देख सकते हो आचार्य श्री का विहार बिदासर की इस धरा से हो रहा है, एकता द्वार के अंदर से महाराज श्री चाड़वास के लिए विहार कर रहे हैं। अहिंसा यात्रा का दिल्ली के अंदर समापन होगा, तो दिल्लीवासी यहाँ आचार्य श्री के स्वागत में यहाँ उनको लेने के लिए ढोल ध्वजा उन्होंने थमा ली है। कल बिदासर में 13 पंथ समाधि के अंदर